अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी मोटिफ का कलर दूसरे मोटिफ से मैच कर सकते हैं। फॉर सपोज आपके लेफ्ट साइड पर ये वाला जो मोटिफ दिख रहा है उसके कलर्स हमें इस वाले मोटिफ में चाहिए। सपोज हम ये वाला मोटिफ किसी एक डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं और ये मोटिफ भी हम उस डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन देखें पत्तियों का कलर चेंज आ रहा है और फ्लावर का कलर में भी फ़र्क आ रहा है। मैन्युअली हम मैच करने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैच कलर के थ्रू दोनों के कलर्स को करीब करीब या सेम करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने करना क्या है कि हमने ये मोटिफ और ये मोटिफ, जिस मोटिफ से कलर चेंज करना है, जैसे कि ओरिजिनल मोटिफ है और ये वो मोटिफ है जिसमें हमने इस मोटिफ के कलर डालने हैं, ये दोनों अलग अलग लेयर्स पे होने चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि इमेज में आएंगे, इमेज के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद हमने आना है मैच कलर में। अच्छा, यहाँ आने से पहले हमने क्या करना है कि जिस मोटिफ के कलर को हमने चेंज करना है, जिस मोटिफ के कलर को हमने चेंज करना है उसको हम राइट क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ वो सिलेक्ट रहना चाहिए। तो उसके बाद हम इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे, उसके बाद हम आएंगे मैच कलर में। यहाँ क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर सोर्स फाइल देनी है। सपोज़ यहाँ पर इस वक्त तो एक फाइल खुली हुई है, अगर यहाँ पर दो फाइल्स होती हैं, चार फाइल्स होती हैं, तो उसमें से हमें वो फाइल का नाम सिलेक्ट करना है जो हमने यहाँ पर ओपन की हुई है। तो हम ये फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लेयर की जगह पर ये बताना है इसको कि भाई हमें कौन सी लेयर के कलर इस वाली लेयर पर चाहिए। सपोज़ यहाँ पर 10-12 मोटिफ हैं या ज़्यादा मोटिफ हैं, ज़्यादा बंचेस हैं फ्लावर्स के, तो हमने यहाँ पर ये बताना होता है कि हमने ये जो लेयर सिलेक्ट की है इस पर हमें किस लेयर्स के कलर्स चाहिए, किस लेयर्स की टोन्स चाहिए। तो यहाँ हम लेयर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे लेयर ज़ीरो, क्योंकि ये लेयर ज़ीरो है। तो आप देखें, प्रीव्यू में ऑफ करूँगा तो ये कलर और था, और ऑन करने के बाद कलर काफ़ी हद तक मैच हो गया है इस डिज़ाइन के साथ। उसके बाद अगर हम चाहें तो कर्व्स के ज़रिए कलर्स को छेड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या हम ह्यू और सैचुरेशन के ज़रिए कलर्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि किसी भी मोटिफ के कलर को हम दूसरे मोटिफ के साथ मैच करें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।